Hi everyone, this is me Shweta, back again with an amazing video. And in this video I'm going to review the much hyped baked food from snackable.com. So I have purchased their products quite a lot of time, so this video mein I'm going to give you my honest review on the product that you should buy from Snackable. It's just my opinion, it's not like you have to compulsory, maybe your taste differ, but this is my honest review from all the products that I've tasted from their collection, which was going on. There was a scheme going on in which wo 11 products de rahe the ek box mein worth ₹600. So I thought to buy it kyunki us 11 products ke saath 2 products wo extra de rahe the, like 2 products as in 2 packets of extra snacks. So there were 13 snacks in total. But all the 13 snacks were not customizable. It was sent to me in random way. So isme sub type ka unke jitne bhi unke food unke site pe aapko dikhenge snackable.com pe wahi sare products unhone is box mein bheje the. To ye jo main review kar rahi hu is box ke bare mein, first of all I have to make it clear that this is not a sponsored video. मैंने snackable.com के बारे में Facebook, Instagram सब जगह से पता किया and मैंने खुद भी इसको try किया है पहले भी, तो कुछ तो इनके products मुझे बहुत अच्छे लगे, but there was some which I didn't like personally because of the taste or something like that. But I'll tell you every feature, everything about each and every product and why you should buy it from their site and why you should not. So without further ado, first if you haven't subscribed to my channel, make sure to subscribe it, because मैं हर अलग तरीके के वीडियो को अलग टाइप के वीडियो बनाती हूँ हर टाइम. एंड ये कुछ मेरे चैनल का आपको वीडियो सिर्फ फीमेल सेंट्रिक नहीं, दोनों के लिए मिलेंगे, मैन एज वेल एज वुमेन. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिफोर फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मुझे जो ये बॉक्स मिले थे वो कुछ इस तरीके के थे. एंड येस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई हैवंट बीन पेड फॉर डूइंग दिस वीडियो, दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू. सो एक ऐसा बॉक्स, ऐसे दो टाइप के बॉक्स मिले थे. इट्स अ वेरी बिग बॉक्स एंड इट्स रिटन स्नैकेबल, इट्स रिटन रिवॉल्यूशनरी हेल्दी स्नैक्स. वाई इज इट रिटन रिवॉल्यूशनरी हेल्दी स्नैक्स? बिकॉज ये इनके सारे प्रोडक्ट्स बेक्ड होते हैं एंड इट्स नॉट फ्राइड, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, विच आई पर्सनली लव. सो दिस इज समथिंग विच आई लव अबाउट दीज बॉक्स एंड दे आर ऑल गुड प्रोडक्ट्स, बट ये सम आर बेटर देन सम फ्रॉम सम. सो कुछ टेस्ट या कुछ उसमें कमी है रह गई है इनके. बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊँगी वन बाय वन कि कैसा है. तो मैंने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया है इनको दो पार्ट्स में. वन इज़ द गुड गुड एंड द प्रोडक्ट दैट यू शुड बाय एंड वॉट आई रिकमेंड पर्सनली. एंड ऑब्वियसली टेस्ट डिफर करता है, सबका अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे एंड ये थोड़े नहीं सही लगे. तो दिस इज़ लाइक हिट और मिस वन. सो अब मैं पहले तो आपको हिट प्रोडक्ट्स बताऊँगी इनके. सो द वन प्रोडक्ट दैट आई लव द मोस्ट वॉज स्नैकेबल पुदीना टॉपिका चिप्स. दीज चिप्स, नाउ आई एम टेलिंग यू, दीज चिप्स आर समथिंग दैट यू शुड गो फॉर. एक तो इसका जो टेस्ट है इट्स सिमिलर टू योर अंकल चिप्स. येस यू विल, और बेस्ट पार्ट है कि अंकल चिप्स आर एज यू नो लेज एंड अंकल चिप्स ऑल आर दोज केमिकल, मतलब लाइक आर द प्रोडक्ट्स दैट आर इन्फ्यूज केमिकल एंड अदर थिंग दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है हेल्दी भी है एंड ये बिल्कुल अंकल चिप्स के साथ मैच करता है. और मैंने ऑलरेडी इसको बहुत ख़त्म कर चुकी हूँ. सो मैं इसमें बताऊँगी आपको, प्रोटीन है 6.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स अदर 10.05 ग्राम, एनर्जी वैल्यू 354 kcal. सो इसके इंग्रेडिएंट्स पर अगर हम जाए तो टॉपिका स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, वाइट लेंटिल्स फ्लावर, सोया फ्लावर, वेज रिफाइंड, पैलोमेलन ऑयल, आयोडाइज सॉल्ट, मिंट पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, सिट्रिक एसिड, कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर, शुगर एंड क्यूमिन सीड पाउडर. एंड इट इज़ अ 70 ग्राम प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹40, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल आई थिंक. एंड दिस इज़ अ 70 ग्राम प्रोडक्ट, इट इज़ ग्लूटेन फ्री एंड लो शुगर, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. यू कैन सी हियर एंड इट्स रिटन ग्लूटेन फ्री एंड लो sugar product. This is a good source of protein. So this is something I highly recommend as a snack to everyone. So this was the first hit product. Then I'll go to the missed product that I didn't like much, was this roasted soya bean mixed with watermelon seeds and masoor. If you are something that those who love ki yaar unko seeds or watermelon seeds aise seeds aur ye sab acha lagta hai to unke liye to ye sahi hai. Otherwise it is not something for people like me who love having good food as well as tasty. This is high protein product which has 80 gram, isme net weight 80 gram hai, roasted hai and ₹60 is the price.
सो ये टेस्टी है बट थोड़ा कम टेस्टी है. सो दिस वॉज द हिट एंड द मिस प्रोडक्ट. देन अगेन विल गो टू द हिट प्रोडक्ट. सो अगेन विल गो टू द हिट प्रोडक्ट शवेता. इसमें मैंने इस पैकेट में तीन चीज़ें मिक्स कर दी हैं क्योंकि तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है मेरे वो तीन फेवरेट थिंग जो मुझे थ्री फेवरेट थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट अबाउट इट. सो एक तो ये वॉफल है. एक चॉको चिप वॉफल था तो ये दूसरा, और वो तीसरा प्रोडक्ट चॉको चिप वॉफल, बेल्जियन चॉको चिप वॉफल विच वॉज अमेजिंग इन टेस्ट. आई एट दैट. सो वो बहुत ही टेस्टी था. अगेन दिस इज अ वॉफल. इट इज़ लाइक अ बिस्किट. इट हैज़ अ बिस्किट क्रस्ट. इट दीज आर मेड अप ऑफ ओट्स विच इज़ वेरी हेल्दी एंड यू गेट बेल्जियन चॉकलेट. सो यू कैन सब्सटीट्यूट योर डेजर्ट बाई दीज हेल्दी वॉफल थिंग्स. सो ये तीन प्रोडक्ट ऑलरेडी हो गए. फोर्थ कम्स इन द बाकड़ वड़ी विच इज़ दिस. दिस इज़ द अमेजिंग टेस्टी बाकड़ वड़ी. इसके अंदर आप जो ये देख रहे हो फिलिंग, इट हैज़ दैट व्हाट यू से भुजिया. भुजिया को मिक्स करके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये मिक्स करके ये बनता है बाकड़ वड़ी विच इज बेसिकली फाउंड इन महाराष्ट्र एंड मुंबई साइड. सो दिस इज़ वेरी टेस्टी. सो दिस इज द फिफ्थ एंड सिक्स वन विच आई लव द मोस्ट वॉज दिस. दीज आर द ओट्स कुकी, सॉरी ओट्स एंड रागी. दीज आर द स्वीट डेजर्ट्स. यू कैन हैव इट. इट कम्स इन दिस पैकेट यू विच यू कैन कीप इन योर स्मॉल बैग्स ऑल्सो. सो ये कुछ छः प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक बताया आपको जो हिट में आते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज़ दैट जिपलॉक पाउच. सो आप इसको आराम से बंद कर सकते हो. इनके सारे प्रोडक्ट जिपलॉक पैक में आते हैं तो आराम से आप इसको बंद कर सकते हो और इसको रख सकते हो. तो ये छः प्रोडक्ट हो गए. देन अगेन विल कम टू द हिट प्रोडक्ट विच इज़ दिस पिज्ज़ा स्टिक विथ चीज़ी एलोपिनो डिप. इसमें आपको एलोपिनो डिप भी मिल रहा है और चीज़ी स्टिक्स भी हैं. ये बहुत टेस्टी होते हैं. एंड इट इज़ 75 ग्राम प्रोडक्ट और इसका कॉस्ट 65 रुपीज़ है विच इज़ वेरी रीजनेबल. सो ये एक और प्रोडक्ट था जो मुझे अच्छा लगा इसमें से. देन कम्स द पिज़्ज़ा चिप्स चिली गार्लिक नो ट्रांसप्लांट बेक्ड इन ऑलिव ऑयल. सो दिस वॉज अगेन अ प्रोडक्ट विच आई लव. एंड द अदर वन वॉज दिस होल वीट चॉको चिप वॉफल विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो ये कुछ 7 प्रोडक्ट्स हैं इन 13 प्रोडक्ट्स में जो मुझे अच्छे लगे. एक मिस हो गया. अब दूसरा मिस प्रोडक्ट बताएंगे हम विच इज़ दिस ट्रॉपिकल ट्रायल मिक्स. इट कंसिस्ट ऑफ पियर मैंगो एंड आमंड्स. नेट वेट 50 ग्राम एंड इट इज़ अ 80 रुपीज़ प्रोडक्ट. आई पर्सनली डोंट लाइक सच प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑब्वियसली ये आप किसी में डाल सकते हो बट इसको ऐसे खाना आप नहीं खा सकते. इसको आप सैलड वैलड में डाल दो वो ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे खाने का सोचोगे तो आप इसको खा नहीं सकते. मतलब थोड़ा बहुत खा पाओगे लेकिन वैसे नहीं. इसको आप सैलड या टॉपिंग्स में डालो तो आप खा सकते हो. तो ये एक दूसरा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा. तीसरा ये क्यूनोवा रेजिन बाइट्स. बाइट साइज डिलीशियस ग्लटन फ्री. सो ये भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. फोर्थ प्रोडक्ट वॉज द BBQ बीट रूट चिप्स. ओके सो दिस वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट आई हैव फाउंड बट वेन आई टेस्टेड इट. सो द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव केप्ट फॉर द लास्ट बिकॉज ऑनेस्टली इन सारे 5-6 प्रोडक्ट जो मुझे नहीं अच्छे लगे उनमें से ये प्रोडक्ट एक था जो मुझे पिछली बार भी अच्छा नहीं लगा था, इस बार भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट की नहीं. दिस इज़ द क्रीम एंड अनियन होल वेट थिंस. सो इट हैज़ रिटन क्रीम एंड अनियन बट एक्चुअली द टेस्ट इज़ नॉट एट ऑल गुड. आई डेंट फाइंड इट टेस्टी बिकॉज इसका जो टेस्ट है मैं आपको उसको थोड़ा दिखाती हूँ कि कैसा है. और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. अलावा स्मॉल बाइट ये कुछ ऐसा पतला थिन क्रस्ट का है. इसको टेस्ट करने में इसका कोई टेस्ट समझ में नहीं आता. लिटरली इसका टेस्ट ही समझ में नहीं आता. क्रीम एंड अनियन लिखा है बट नो इट्स नॉट समथिंग आई वुड लव टू ईट. इसका मीठा कड़वा डीप सा टेस्ट है. सो दिस प्रोडक्ट वॉज द आई वुड से वर्स्ट बिकॉज इट इज़ फूड ऑफ कोर्स बट या दे शुड इम्प्रूव दिस वन पर्टिकुलरली. सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्नैकेबल. एंड येस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपका टेस्ट अलग होगा, मेरा टेस्ट अलग होगा. सो आई एम नॉट हेयर टू से कि ये कुछ अच्छा नहीं है, ये कुछ नहीं. इट्स जस्ट माई ऑनेस्ट रिव्यू कि ये मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, ये मुझे नहीं अच्छे लगे. एंड ऐसी और भी वो वीडियोज़ मैं बनाऊँगी. जस्ट आप कमेंट करिए नीचे कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए. एंड दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल.